गिरजिया देवी यानी कि गिरजिया देवी मंदिर कई नामों से जाना जाता है, जैसे इसे गिरजा देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर माता पार्वती के प्रमुख मंदिरों में से एक है। उत्तराखंड से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है माता का ये अद्भुत मंदिर। मंदिर छोटी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। यहाँ का खूबसूरत वातावरण खूबसूरती का एहसास कराता है। देवी के प्रसिद्ध मंदिरों में से गिरजा देवी यानी कि गिरजा देवी माता का एक अहम स्थान है। गिरिराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें इसी नाम से पुकारा जाता है। यह हमारा धुना है माता रानी का। यहाँ महाकाल है, काल रात्रि है, भोलेनाथ भी है। गिरजा माता मंदिर है, प्राचीन मंदिर। माता की बबूत लेने से शरीर का दर्द, रोग, शुगर, बीमारी सब खत्म हो जाती है। शक्ति है यहाँ पर, भूत प्रेत सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। यहाँ घर का कोई कलेश हो, कैसी परेशानी हो, मन्नत मांगती पूरी, मगर इस धुने पे जरूर आना पड़ता है। इस मंदिर में माँ भगवती देवी वैष्णवी के रूप में स्थित हैं। ये मंदिर कोसी नदी के किनारे पर बना हुआ है। ढिकुली गिरजिया क्षेत्र का लगभग 3000 वर्षों का एक अपना इतिहास रहा है। प्रख्यात कस्तूरी राजवंश, चंद्र राजवंश और गोरखा वंश और अंग्रेज शासकों ने यहाँ की पवित्र भूमि का सुख भोगा है। 1940 से पहले इस मंदिर की स्थिति आज के जैसे नहीं थी। कालांतर में इस देवी को उपटा देवी के नाम से भी जाना जाता था। तत्कालीन लोगों की धारणा थी कि वर्तमान में गिरजिया मंदिर जिस टीले पर स्थित है वह कोसी नदी की बाढ़ में किसी ऊपरी क्षेत्र से बहकर आया था। अब आपको इसके महत्व के बारे में बताते हैं। आज सन 2017 है और दिन प्रतिदिन इसकी ख्याति बढ़ती हुई है। और एक तो ये पर्यटक स्थल होने के कारण और भी इसकी ख्याति बड़ी चली जा रही है। आए दिन अभी नवरात्रों में बड़ी भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई थी। माता से कई मन्नतें लोगों की पूरी होती हैं और सभी लोग यहाँ पर आकर के अपना दुख दर्द माता के आगे उसका निवारण होता है। गिरजिया देवी मंदिर में माँ गिरजा देवी सतोगुणी रूप में विद्यमान हैं, जो भक्त की सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न हो जाती हैं। यहाँ पर जटा, नारियल, लाल वस्त्र, सिंदूर, धूप और दीप आदि को चढ़ाया जाता है और माँ की वंदना की जाती है। मनोकामना पूरी होने पर श्रद्धालु यहाँ पर घंटी का छत्र आदि चढ़ाते हैं। वर्तमान में इस मंदिर में गिरजा माता की 4.5 फीट ऊंची लंबी मूर्ति स्थापित है। इसके साथ ही माता सरस्वती, गणेश तथा बटुक भैरव की भी संगमरमर की मूर्तियां यहां पर स्थापित हैं। कार्तिक पूर्णिमा को और गंगा के स्नान के पावन पर्व पर गिरजा देवी के दर्शन के लिए लाखों भक्त आते हैं। इसके अलावा गंगा दशहरा, नवदुर्गा, शिवरात्रि और उत्तरायणी बसंत पंचमी में भी काफी संख्या में श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए आते हैं। आप भी श्रद्धा से इस मंदिर में जाएं और मां देवी के दर्शन जरूर करें। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।